नासरीगंज में अपहरण हुए लड़की को पुलिस ने किया बरामद। अपहरण लड़की को बरामद करते हुए 3 अभियुक्त भी हुए गिरफ्तार। अपहरण लड़की की बरामदगी को लेकर रोहतास पुलिस पहुंची राजस्थान। खबर रोहतास जिले के नासरीगंज थाने की है, जहां बीते दिनों 11/7/2022 को एक लड़की का अपहरण हो गया था। इस संबंध में नासरीगंज थाने में कांड दर्ज है। जांच में यह पता चला कि गांव की एक महिला ने 1,60,000 में लड़की को राजस्थान के नीमा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में बेच दिया है। पुलिस ने मामले का उद्भेदन कर दिया है। आइए सुनते हैं रोहतास पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने क्या कहा। अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में नासरीगंज थाना अंतर्गत दिनांक 11/7/22 को एक लड़की के अपहरण के संबंधित जो कांड दर्ज किया गया था, जिसे कांड संख्या 111/22 था, उसमें जो अपहृता के संबंध में जानकारी मिली तथा उनके अपहरणकर्ताओं के संबंध में जानकारी मिली थी, तो अपहृता की बरामदगी के लिए और अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए इसमें SHO नासरीगंज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा जब इसमें अनुसंधान किया गया तो पता चला कि उक्त कांड में जो अपहृता है उसको उसके गांव के ही एक महिला के द्वारा और अपने अन्य सहयोगियों की मदद से उस अपहृता को 1,60,000 रुपये में राजस्थान में सीकर जिला के नीमका थाना में किसी व्यक्ति के पास बेच दिया गया था। इस मामले को में जो पुलिस टीम के द्वारा वहां पर छापेमारी करके अपहृता की सकुशल बरामदगी की गई तथा इस मामले में जो 3 आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम हैं सुमित्रा देवी जो कि जिसके पति का नाम प्रदीप राम है जो कि पीपरडी गांव के रहने वाली है नासिकगंज थाना के, उपेंद्र कुमार जो कि बरुई के रहने वाले हैं जो कि थाना दरीगांव और जिला रोहतास, और तीसरे हैं कालू राम शर्मा जो कि नीमका थाना जिला सीकर राजस्थान का रहने वाला है। उस तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में इन सभी अभियुक्तों के द्वारा अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। इसमें अन्य जो अपराधकर्मी शामिल हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है। इस प्रकार से इस मामले में मानव तस्करी के मामले में रोहतास पुलिस के द्वारा 3 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है और जो अपहर्ता है उनकी सकुशल बरामदगी भी की।